बड़ी अजीब औरत हो तुम। फिर चली आई? अजीब बेशरम इंसान हो, देख नहीं रही मैं और मेरे पति साथ में अकेले वक्त गुजारना चाहते। अजीब कबाब में हड्डी बंदी जा रही हूं। क्या हुआ है सुरेश को? क्या किया है तुमने इनके साथ? सुरेश की नींद इतनी कच्ची है कि वो खिड़की के हिलने से भी उठ जाते हैं, पर भी मुझे देख भी नहीं रहे। क्या किया है तुमने? कमाल करती हो मिट्टू, मैं क्यों कुछ खिलाऊंगी? पर आई औरत के कमरे में घुसने से बौखला गया है बेचारा। दो पल का चैन नहीं लेने देती हो तुम। जाओ यहां से। तुम ऐसे नहीं निकलोगी। एक मिनट, मुझे पक्का यकीन है कि उन दोनों ने सुरेश को जरूर कोई नशीली चीज पिलाई है या खिलाई है। पता नहीं उसमें क्या होगा, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो। भाभी माँ आप घबराइए मत, हमें बस भैया को कमरे से किसी तरह निकालना है। हाँ, अगर चीजों को कुछ चीजों सुरेश, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ फालगुन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आप नहीं जानते आपके साथ क्या हुआ है। मेरा सर चकरा रहा था, बेड पे बैठा था, उसके बाद शायद मेरी आंख लग गई। तो क्या हुआ, तुम तीनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं बताती हूँ। सुरेश बेहोशी की हालत में भी सिर्फ फाल्गुनी का नाम ले रहा था, मैं उसे छूने की कोशिश भी नहीं कर पाई। एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुमने सुरेश की हालत का फायदा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो फाल्गुनी से प्यार करता है या इसलिए क्योंकि तुम कर्मा से प्यार करते हो? मुझसे फाल्गुनी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी खुशियों को आग लगा दूं। एक बात समझने की कोशिश करो, भावनाओं में बह जाना अलग बात होती है और डूबना अलग। हमें सिर्फ फाल्गुनी को इस घर से निकालना है और उसके लिए एक बड़ा झटका देने की जरूरत है और हम वही कर रहे हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर तुम्हें सुरेश के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई बात नहीं, मत रखो। तुम्हें बस उसे और घर वालों को ये यकीन दिलाना। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि अपने बारे में ऐसी घटिया बात सबको बता दी। भीरू, अब खुद भी तो एक औरत है ना, एक औरत होगी ऐसी बात। अगर कोई आपसे कहे कि आप जाके सबको बोलिए कि आप किसी के साथ सोकर आइए तो? ये करने की दो वजह थी। पहली, मैं तुम्हें होश में लाना चाहती थी और दूसरी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहती थी।
अपने साथ मेरी बराबरी मत करो। गुलाम हो तुम मेरी, मेरी वजह से जिंदा हो और आजाद भी, समझी? जाओ यहां से। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है मुझे। ये जरूर उस प्याली ने मेरे जूस में कुछ मिला के मुझे दिया होगा। वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आपकी माँ ने करवाई है ऐसी गिरी हुई हरकत, उस माँ ने जिस पर इतना भरोसा करते हैं आप और जिनका सच में चाहकर भी आपके सामने नहीं ला पा रही हूं। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सुरेश? मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं किया है। इतना भरोसा करती हो तुम? खुद से ज्यादा, इसीलिए कह रही हूं कि इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। और प्याली ने जो भी सोचकर ये चाल चली है ना, उसकी चाल कामयाब होगी ही नहीं। अगर मेरा भरोसा आप पर से नहीं हिलेगा तो फाल्गुनी, फाल्गुनी, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? ऐसा हो सकता है कि सुयश के साथ उसकी फाल्गुनी ना हो? अब देखिएगा, अब प्याली खुद सबको सच बताएगी। फाल्गुनी, जो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, इतनी घटिया हरकत कर सकती है, तुम उसे उम्मीद करियो कि वो सबके सामने सच बताएगी? सबको ना सही, पर किसी को तो जरूर बताएगी। बहुत बहुत खुश लग रही है। सुना है तू और सुयश एक हो गए। तुझे किसने कहा? अरे तू तो ऐसा घबरा रही है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई होती। ऐवे डर रही है पगली? अरे मैं तो तेरी खुशी में खुश हो रहा हूं यार। खुशी की बात है, आखिरकार प्याली को उसका प्यार मिल ही गया। चल आज अपने तरीके से खुशी मनाते हैं। याद है ना बचपन में जब तू और मैं कोई भी खुशी की बात होती थी क्या करते थे? अटकन मटकन दही चटकन, अटकन मटकन चटकन, राजा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 10 कटोरी, कटोरी टूट गई, राजा की रानी टूट गई, अटकन मटकन चटकन। अरे खुशी मना रहा हूं यार। अटकन मटकन दही चटकन, राजा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 10 कटोरी, कटोरी टूट गई, राजा की रानी टूट गया। कर्मा, कर्मा, मैं जानती हूँ तू कोई खुशी नहीं मना रहा है, तू गुस्सा है मुझसे। जानता है ना ये सब नाटक किया था? प्यार तो मैं सिर्फ तुझसे करती हूँ। प्यार करती है ना तो जाके सबको सच बता कर। अगर सब ने तेरा यकीन कर लिया तो मैं भी तेरा यकीन कर लूंगा। वो कहना प्याली, आजकल मुझे तेरी किसी भी बात का यकीन नहीं होता। हो सकता है तू अपने बदले के लिए सुयश का इस्तेमाल कर रही हो सकता है तू सच बोल रही है। जाके सबको सच बता कर, और अगर नहीं बता सकती ना तो भूल जा तू किसी कर्मा नाम के इंसान को जानती थी।